देखिए, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं पेशगोईयां करूँ। हर एक की कोशिश ये है कि जितना खा सको खा लो, लूटो और भागो। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ जानी मानी शख्सियत शेर अफजल मरवत मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टुडे को। सर, बताइएगा 5 अगस्त के जलसे के वाले से आपका क्या प्रोग्राम है? जी अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त के जलसे पे तो मुझे पार्टी अगर कहेगी तो मैं जाऊंगा। सर, बताइएगा इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, ऐलानात हो रहे हैं सिर्फ, आवाम को आपको पता है कितनी मुश्किलात मिल रही है, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली के भारी भरकम बिल, गैस, कोई भी चीज़ जो है वो इस वक्त आवाम की दस्तरस में नहीं है, आवाम की पहुँच से बाहर है, तो ये हुकूमत चल पाएगी ऐसे हालात में? देखिए, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं पेशगोईयां करूँ, लेकिन हमारे मुल्क में हमारी कौम का कुछ मसला ज़रूर है। ये बग़ैर किसी आफत के और तकलीफ़ के हम 75-76 सालों से कड़े दौर से गुजर रहे हैं। ये कड़ा दौर है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कड़ा दौर तो ईरान पे आया हुआ है गुज़िश्ता 40-50 सालों से। ईरान जो हैं वो उसकी इंटरनेशनल ट्रेड बंद हैं उनकी तमाम, लेकिन ये कौम हैं, मुल्क हैं जो अपने बलबोते पे कायम दायम हैं। हमारी अगर एक महीने पे के भी ट्रेड बंद हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन तकालीफ के न होने के बावजूद हमारी अपनी खुद साख्ता तकालीफ है। मुल्क को तो हम तरक्की की राह पे गामजन ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे हर एक ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। हर एक की कोशिश ये है कि जितना खा सको खा लो, लूटो और भागो, और ये 76 साल से यही हो रहा है। सर, अवाम पाकिस्तान और बड़ों को आमने सामने लाने की साजिशें की जा रही हैं, ये साजिश कौन कर रहा है? नहीं, साजिशें तो नहीं हो रही हैं, बेसिकली मफादात की जंग है। एक तरफ मफादात हैं, पाकिस्तान की हकूमत पे एक ज़बरदस्ती का कब्ज़ा है, अवाम ने जिनको वोट दिया वो इधर बैठे हैं, बुगड़ताले कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आपका जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है G8 वाला, उसको हाईकोर्ट के हुक्म पर डी सील करने का हुक्म दिया गया है, हालांकि वहाँ पे कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं थी कि आप जिस बुनियाद पे बंद किया गया था कि फायर वो आप सिस्टम लगवाएं, आग बुझाने का प्रॉपर कोई सिस्टम होती नहीं है, तो ये किसने इतने जल्दी में बंद करवाया था और फिर अभी हुक्म दिया गया दोबारा से खोल दिया, ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये जितनी भी हो रहे हैं, आज ही इम्तियाज़ को जो अगवा किया है, ये फिर PTI के सेक्रेटेरिएट को बंद करना, अपना ही चेहरा मसख कर रहे हैं। हमारा क्या है, 4 दिन या 10 दिन बंद रहा, हाई कोर्ट ने खोल दिया, आज इम्तियाज़ बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये हरकतें देख के लोगों को नफरत हो रही है इस निज़ाम से। आखिरी पैगाम हुकूमत के लिए? हुकूमत कोई है ही नहीं, सारे जो हैं कब्ज़ा माफिया है बैठे हुए हैं। हुकूमत तो वो होती है जो आवाम के वोटों से बन के आती है, लेजिटिमेट होती है, आईनी और कानूनी होती है। ये लोग तो फॉर्म 47 के गमाश्ते हैं, इनसे क्या पैगाम होगा? अल्लाह करे इनके जहन में यही सोच आ जाए जब इन्होंने मरी कार्ड किया था पीपल पार्टी के साथ और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। अगर ये अपनी ही बयानी है को याद कर लेना और पाकिस्तान के लिए सोचें।